नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पार्ट 3। लास्ट टू पार्ट्स में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट की थी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें क्या सीखना है हमें, nth डेरिवेटिव किस टाइप से फाइंड आउट करना है। भाई y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n गिवन है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का यूज करना है। तो इसमें इसका nth डेरिवेटिव देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव y1 हो जाएगा n इनटू x रेज टू पावर n माइनस 1, y2 n इनटू n माइनस 1 इनटू x रेज टू पावर n माइनस 2, y3 दिस इज n इनटू n माइनस 1 n माइनस 2 इनटू x रेज टू पावर n माइनस 3 अप टू सोन। अब हम yn लिख सकते हैं। देखो मैं आपको एक सिमिलरिटी बताता हूं। इसमें सिमिलरिटी कैसे चेक करनी है कि भाई y1 में देखो n है और x की पावर n माइनस 1 कर रहे हैं। चलो मैं पहले x की पावर बता देता हूं। y2 में n माइनस 2, y3 में n माइनस 3, तो yn में हो जाएगा x की पावर n माइनस n। अच्छा, अब y3 में देखो क्या है, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, थ्री फैक्टर्स की प्रोडक्ट, n माइनस 2 तक एक कम मतलब सब्ट्रैक्ट किया है, 3 है तो 2 तक सब्ट्रैक्ट किया है, 2 है तो 1 तक सब्ट्रैक्ट किया है और उतनी ही टर्म्स हैं। तो yn होगा तो n टर्म्स होंगी देखो, और एक कम तक सब्ट्रैक्ट करेंगे n माइनस के n माइनस 1, ये आ जाएगा। देखो कैसे किया, सिमिलरिटी मैं आपको बताता हूँ। सिमिलरिटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सिमिलरिटी आपको दिखाई नहीं देगी तो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी। देखो 3 है तो x की पावर क्या है n माइनस 3, 2 है तो x की पावर क्या है n माइनस 2, 1 है तो x रेज टू पावर क्या है n माइनस 1, तो n होगा तो x की पावर क्या हो जाएगा n माइनस n। अब ऐसे जब y 3 है तो 3 फैक्टर्स हैं, 2 है तो 2 फैक्टर्स हैं, 1 है तो 1 फैक्टर है, तो n होगा तो n फैक्टर्स आ जाएंगे, n होगा तो n फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास। तो अब इसमें देखो n फैक्टर्स आएंगे किस टाइप से, y 3 है तो n माइनस 2 तक सब्ट्रैक्ट किया, 2 है तो n माइनस 1 तक, 1 है तो n माइनस 0 तक एक कम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो y n होगा तो क्या करेंगे n माइनस 1 तक सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो n n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस के n माइनस 1, तो यहां देखो इस n से ये n कैंसिल, तो क्या बनेगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड अप टू लास्ट में 1 और x रेज टू पावर 0 क्या होता है 1, तो ये आ गया n फैक्टोरियल। तो x रेज टू पावर n का nth डेरिवेटिव क्या होता है n फैक्टोरियल। अब ऐसे ही हमारे पास आ जाता है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इसकी पावर n, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेस्ट पावर n है। तो अब इसमें b हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। nth डेरिवेटिव किस टाइप से निकालेंगे, देखो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव y1 क्या होगा n इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू अब अंदर वाले का डेरिवेटिव a, a रेज टू पावर 1 लिख लेता हूं मैं, x का 1 हो गया, b का डेरिवेटिव 0। अब y2 देखो कैसे करेंगे, n इंटू पहले पावर आगे आ जाएगी n माइनस 1 ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस टू इंटू ए रेज टू पावर 1 है तो ये ए रेज टू पावर 2 हो जाएगी, इंटू में ए करेंगे ना तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसे ही वाई थ्री, जब तक आपको सिमिलरिटी का पता नहीं चले तब तक आप डेरिवेटिव करते जाओ, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस 3 आ जाएगा और ए क्यूब बन जाएगा ए से और मल्टीप्लाई करोगे।
तो अब मैं आपको इसमें सिमिलरिटी बताता हूँ क्या है। सिमिलरिटी किस टाइप से nth डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले a देखो, a की पावर y1 है तो a की पावर 1, y2 है तो a की पावर 2, y3 है तो a रेस्ट टू पावर 3, तो अप टू सम yn होगा तो a रेस्ट टू पावर n। अब ऐसे देखो, y1 है तो ax प्लस b में से की पावर में n में से 1 सेपरेट किया, 2 है तो 2 सेपरेट कर रहे हैं, 3 है तो 3 सेपरेट कर रहे हैं, तो n होगा तो ax प्लस b रेस्ट टू पावर n माइनस n हो जाएगा। अब ऐसे y3 है तो देखो 3 फैक्टर्स हैं, 2 है तो 2 फैक्टर्स हैं, 1 है तो 1 फैक्टर है, तो ऐसे ही n होगा तो n फैक्टर्स होंगे। एक तो ये होगा n फैक्टर्स। दूसरा देखो 3 है तो एक कम सेपरेट किया है, 2, 2 है तो 1 है, 1 है तो 0 सेपरेट कर रहे हैं, तो n होगा तो क्या सेपरेट करेंगे, n माइनस 1, यहाँ आ जाएगा n माइनस के n माइनस 1, ये बढ़िया। तो इस n से एक n कैंसिल, तो आपके पास ये आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, अप टू लास्ट में 1, ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस एन, 0, इसकी पावर 0 क्या आ जाएगा, 1। और n2 में क्या बचेगा फिर, दिस इज a रेज टू पावर n। तो अब ये देखो n फैक्टोरियल हो गया, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू a रेज टू पावर n, तो ये हमारा y n, nth डेरिवेटिव आ चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है y हमें गिवन है 1 बाय ए एक्स प्लस बी, तो इसको सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर माइनस 1। तो अब इसमें nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो देखो y1 क्या हो जाएगा, माइनस 1 आगे ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर माइनस 2 इंटू ए, y2 आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2 आगे ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर माइनस 3 इंटू क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर, y3 क्या आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 आगे आएगा ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर माइनस 4 ए क्यू। तो देखो मेन तो क्या है, आपको सिमिलरिटी का पता होना चाहिए। सिमिलरिटी अगर आपको दिखाई नहीं देगी तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो देखो कैसे करेंगे, सिमिलरिटी का बताता हूं मैं आपको। यहां से ये a की पावर 1 भी लिख सकते हैं, अप टू सोम वाई एन। देखो पहले तो y 1 है तो a रेज टू पावर 1, 2 है तो पावर 2, 3 है तो पावर 3, तो n होगा तो पावर n, a रेज टू पावर n हो गया। अब ऐसे ही ए एक्स प्लस बी की पावर देख रहे हैं, माइनस तो सब में है। अब ये देखो वाई वन है तो माइनस टू है, मतलब वाई वन है तो टू है, माइनस तो सब में लगा हुआ है, वन है तो टू है, टू है तो थ्री है, थ्री है तो फोर है, मतलब एक एक्स्ट्रा जा रहा है, तो एन है तो पावर क्या आ जाएगी, एन प्लस वन। अब ऐसे ही थ्री है तो, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और लिख सकता हूं, माइनस वन की पावर वन और ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस टू इंटू ए की पावर वन, इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस वन की पावर टू इंटू टू फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ए टू इंटू वन को, जो ये टू इंटू वन है ये हमारा क्या बन जाएगा, दिस इज टू फैक्टोरियल, और इंटू में क्या आएगा फिर, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस थ्री इंटू ए स्क्वेयर। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस वन की पावर थ्री और वन इंटू टू इंटू थ्री क्या आ जाएगा, थ्री फैक्टोरियल, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस फोर और इंटू ए क्यू। तो अब यहां से बिल्कुल सिंपल हो चुका है, देखो वाई थ्री है तो माइनस वन की पावर थ्री, वाई टू है तो माइनस वन की पावर टू, वाई वन है तो माइनस वन की पावर वन, तो yn है तो माइनस वन की पावर n।
अच्छा y 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 2 है तो 2 फैक्टोरियल, 1 है तो 1 फैक्टोरियल, तो n होगा तो n फैक्टोरियल, बाकी सारा हमने ये लिख लिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल ए रेज टू पावर एन बाय ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन प्लस वन, ये आंसर आ गया। तो इस टाइप से हम nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम किस टाइप से करेंगे। अब आ गया y क्या गिवन है, y इज इक्वल टू log ऑफ ए एक्स प्लस बी, y इज इक्वल टू log ए एक्स प्लस बी है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो पहले y1, y1 देखो 1 बाय ए एक्स प्लस बी, दिस इज ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब y2 देखो क्या होगा, माइनस वन आगे ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस टू इंटू ए, अच्छा इसमें देखो a रह गया अभी एक, ये a की पावर होगी, ये a बच गया, क्यों log x का क्या किया, वन बाई ए एक्स प्लस बी इंटू a आएगा, a ऐसे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ आ जाएगा ए स्क्वेयर, अब ऐसे ही वाई थ्री क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस थ्री इंटू ए क्यूब, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, वाई फोर क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस फोर इंटू ए रेज टू पावर फोर। मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, देखो पहले मैं वाई टू को वाई फोर को लिख देता हूं, माइनस वन की पावर थ्री है भाई और थ्री फैक्टोरियल है और ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस फोर है और ए रेज टू पावर फोर है। अच्छा वाई थ्री में क्या है, माइनस वन की पावर टू, टू फैक्टोरियल है, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस थ्री इंटू ए क्यूब है, ऐसे ही इसमें माइनस वन की पावर वन इंटू वन फैक्टोरियल ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस टू इंटू ए स्क्वेयर है। तो अब nth डेरिवेटिव में इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब आपको सिमिलरिटी दिखाई दे रही है अभी, सिमिलरिटी देखो कैसे वाई एन करें, देखो जब 4 है तो माइनस वन की पावर 3, जब थर्ड डेरिवेटिव है तो माइनस वन की पावर 2 और सेकेंड डेरिवेटिव है तो माइनस वन की पावर 1, मतलब एक पावर कम है, तो nth है तो माइनस वन की पावर n माइनस वन। अब ऐसे ही वाई फोर, फोर्थ डेरिवेटिव है तो 3 फैक्टोरियल, थर्ड डेरिवेटिव है तो 2 फैक्टोरियल और सेकेंड डेरिवेटिव है तो 1 फैक्टोरियल, तो nth डेरिवेटिव है तो एक कम क्या हो जाएगा, n माइनस वन फैक्टोरियल। और ए एक्स प्लस बी की पावर देखो 4 है तो 4 है, 3 है तो 3 है, 2 है तो 2 है, तो माइनस है तो क्या है, माइनस तो रहेगा, n है तो n और a रेज टू पावर n। तो इस टाइप से हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, माइनस वन रेज, अभी बताता हूँ इसमें देखो कैसे। देखो पहले सेकेंड डेरिवेटिव है वाई टू, y2 है तो माइनस, अच्छा चलो मैं 4 से बताता हूँ, y4 है तो माइनस वन रेज टू पावर 3, एक कम है पावर, y3 है तो माइनस वन की पावर 2, y2 है तो माइनस वन की पावर 1, एक कम है, लेस पावर है 1, तो yn होगा तो माइनस वन की पावर क्या आ जाएगी, n माइनस 1। अच्छा वैसे ही y4 है तो क्या है, 3 फैक्टोरियल, y3 है तो क्या है, 2 फैक्टोरियल, y2 है तो 1 फैक्टोरियल, तो yn होगा तो क्या आ जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ऐसे ही ax प्लस b की पावर देखते हैं हम, ax प्लस b की पावर देखो जब पावर 4, y4 कर रहे हैं तो पावर 4 आ रही है, 3 कर रहे हैं तो पावर 3 है और 2 कर रहे हैं तो पावर 2 आ रही है। अच्छा माइनस तो इसमें लगा हुआ है ही, माइनस तो इसमें लगा हुआ है,
ठीक है, माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो माइनस की पावर क्या आ जाएगा, एन, फोर है तो फोर है ना, तो एन है तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। अब ऐसे ही ए की पावर देखो, वाई फोर है तो ए रेस टू पावर फोर, थ्री है तो ए रेस टू पावर थ्री, टू है तो ए रेस टू पावर टू, तो एन होगा तो ए रेस टू पावर एन आ जाएगा। इसमें देखो आप पहले डेरिवेटिव को कैसे लिखा है, सिमिलरिटी इंपॉर्टेंट है इसमें। माइनस वन माइनस वन माइनस वन, ये वन टू थ्री नहीं देख रहे हैं, माइनस देख रहे हैं कितने टाइम है, थ्री टाइम, तो माइनस वन की पावर थ्री है ये। वन इंटू टू इंटू थ्री क्या है, थ्री फैक्टोरियल। तो इस टाइप से ये सिमिलरिटी हमने लिखी है। तो इस टाइप से लिखने के बाद तो वाई फोर में देखो, पहले ध्यान से देखना भी सारे, जब हम फोर्थ डेरिवेटिव कर रहे हैं तो पहले माइनस वन की पावर देख रहे हैं सब में, फिर एक फैक्टोरियल देखेंगे, फिर ए एक्स प्लस बी की पावर और फिर ए की पावर। देखो जब फोर्थ डेरिवेटिव है तो माइनस वन की पावर थ्री है, थर्ड डेरिवेटिव है तो माइनस वन की पावर टू है, सेकंड डेरिवेटिव है तो माइनस वन की पावर वन है। अच्छा तो देखो nth डेरिवेटिव होगा तो माइनस वन की पावर n माइनस वन, एक एक पावर कम दिख रही है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, जब फोर्थ डेरिवेटिव कर रहे हैं तो पावर थ्री है ये, और थर्ड डेरिवेटिव है तो पावर टू है, एक कम है, तो nth डेरिवेटिव है तो पावर n माइनस वन। अच्छा फोर्थ डेरिवेटिव है तो थ्री फैक्टोरियल, थर्ड डेरिवेटिव है तो टू फैक्टोरियल, एक लेस है, तो nth डेरिवेटिव है तो n माइनस वन फैक्टोरियल। अब ऐसे ही ax प्लस बी की पावर देखो, फोर्थ डेरिवेटिव है तो फोर पावर, थर्ड डेरिवेटिव में थ्री पावर और सेकंड डेरिवेटिव में टू पावर, तो nth डेरिवेटिव में n पावर और माइनस सब में लगा हुआ है। ऐसे ही a रेज टू पावर देखो, a रेज टू पावर फोर है, फोर्थ डेरिवेटिव में थ्री है, थर्ड डेरिवेटिव में टू है, सेकंड डेरिवेटिव में, तो nth डेरिवेटिव में n पावर आ जाएगी। तो अब इसको हम कैसे लिख देंगे, देखो ये n माइनस वन फैक्टोरियल ए रेस टू पावर एन, और जो ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस एन है इसको हम क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर एन, तो ये आंसर आ गया। तो इस टाइप से हम nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखो और आता है अपने पास, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, आपको ये ध्यान रखना है कि भाई सिमिलरिटी किस टाइप से है। अब y गिवन है a रेज टू पावर mx, तो y1 क्या होगा, a रेज टू पावर mx इंटू log ऑफ a और mx का डेरिवेटिव m, y2 क्या होगा, a रेज टू पावर mx इंटू log a इंटू m आएगा, और यही पहले से गिवन है, तो इसका क्या हो गया स्क्वेयर। अब ऐसे ही y3 करेंगे तो a की पावर mx का a की पावर mx इंटू लॉग a इंटू m करेंगे, तो ये इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3। a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, y जब a रेज टू पावर x है तो dy बाय dx क्या होता है, a रेज टू पावर x इंटू लॉग ऑफ a, ये हमने सीखा है, ठीक है ना। इस टाइप से हम करेंगे। नेक्स्ट देखो, अच्छा जो पावर में यहां तो एक्स था, यहां पावर में एम एक्स है, तो एम एक्स का एम भी आएगा ना इनटू में, तब इसको ये सारा आता जाएगा, तो पावर होती जाएगी इसमें एन। अब ऐसे किसमें, मैं अभी ये फॉर्मूले करवा रहा हूं, फॉर्मूले डिराइव करवा रहा हूं इसमें, तो देखो y n किसके इक्वल आ जाएगा, a रेज टू पावर एम एक्स एच डी सब में, बट log a इंटू एम जो है इसकी पावर क्या आ जाएगी, n, ये है nth डेरिवेटिव। अब साइन और कोस वाले और करवाता हूं, वो ध्यान से देखना भी। y हमें गिवन है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो y1 क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव cos ax प्लस बी इंटू ए आ जाएगा,
लेकिन इसको हम कोस में नहीं रखना, इसको हम साइन में चेंज करेंगे भी वापस। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए तो आगे लिख लिया, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या आता है, कोस थीटा। तो देखो अब ये वापिस वही बन गया ना, हमने कोस को क्या लिख दिया है, साइन की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब फिर से वाई टू करें, साइन का क्या आ जाएगा, कोस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू, इंटू में ए आएगा तो ए का क्या आ जाएगा, स्क्वेयर। लेकिन हमें फिर से इसको साइन में ले जाना है, तो ये साइन क्या लिख देंगे, ए एक्स प्लस बी प्लस के पाई बाई टू, तो एच डी जाए, ये सारा तो हो गया थीटा। देखो अभी इसको समझना एक बार, अब हमारे पास ये जो सारी वैल्यू है ये तो है थीटा प्लस में पाई बाई टू। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, कोस थीटा, ये सारा थीटा समझ रखा है हमने, साइन 90 प्लस थीटा क्या है, कोस थीटा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू क्या है, 2π/2। ठीक है, अब ऐसे ही वाई थ्री करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए क्यूब साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 3π/2 आ जाएगा, एंड अप टू 100। तो अब वाई एन डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ए रेज टू पावर एन इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाय टू। तो जब वाई हमें गिवन हो साइन ए एक्स प्लस बी, तो आप उसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो। nth डेरिवेटिव क्या होगा इसका, ए रेज टू पावर एन इंटू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाय। अब सिमिलरली साइन की बजाय कोस आ जाए भी हमारे पास, जैसे वाई इज इक्वल टू क्या है, कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो इसमें भी आप वाई एन एथ निकाल सकते हो, ए रेज टू पावर एन इंटू कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाय टू। ये आप घर से ट्राई करके लेके आओगे भी, घर से ट्राई करना आप इसको। ठीक है, तो सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज आप ये सारे फॉर्मूले ड्राइव करना सीखोगे, बाकी फिर हम करेंगे कल इससे आगे।